कैसे लगती है ये समझना बहुत बड़ी बात है। किस अंदाज से हमको, मैंने 40-45 साल ये राग अपने उस्ताद चांद खां साहब से सुना और उन्होंने 50 साल अपने वाली से सुना था, तो कैसा वो जो मेरे पास पहुंचा है, किस तरह रिखब की और धेवत लगती है वो गौर करने की ज़रूरत है। और सुरों का लचाव और घुलाव और सूतमेल, ये सबसे बड़ी अहम बात है। परवरदिगार बोल हैं तो खुदा के आगे प्रार्थना के बोल हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आदमी अपनी शक्ति का मुजाहरा करने बैठा हो या जिमनास्टिक, ये गलत है। खुदा से कैसी इल्तिजा की जाती है, ए परवरदिगार अभी परवरदिगार, तो मतलब नहीं बनता। Yeah.
जब ठंडा सांस भरता है ना तो उसके दिल पर चोट लगी हुई होती है, जो वो सुनाना चाहता है भगवान को, खुदा को। हाय ये है ना, शुरू में ये कैसे आएगा? Oh.
लेकर सुबह तक गा सकता हूँ, इतनी गुंजाइश है इसमें। लेकिन टाइम की भी गुंजाइश देखनी है, कितनी देर तक का यह हॉल है और आप लोग कल वर्क पर भी जाना है, तो इसलिए बड़ा शॉर्ट करके मैं वो कुछ खास खास बातें सुना रहा हूँ। Yeah.
देखिए एक ही सुर पे सोनी और मारवा का वहीं कैसे बनता है। फिर सीने की तान है जिसको गमक की तान कहते हैं, फिर कंठ की तान है जिसको गले की तान, और फिर दिमाग की तान है जो मुंह बंद करके ली जाती है। अब ये लहक है तो बहुत मुश्किल से आती है, 40 साल तो मुझे लगे हैं इसको, और लेकिन ये जहन में आना ही इसका बड़ा मुश्किल है। Ma ga ri da ni da ma ga ri 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 da ma
बोलते हैं। 40 साल मैंने इस पर किया है और सीधी तान है। इसके लिए जब तक 40 साल रियाज नहीं करेगा गले में नहीं आ सकती ना वो पावर पैदा हो सकता है, और वो भी अगर खुदा चाहेगा तो आती है, नहीं तो नहीं। Ah!
ये छूट के ताने गौर करिए, सुनो दे, ये जितनी ताने हैं सब चैलेंज ताने हैं। राजे सुनो दे, राजे सुनो दे, सुनो दे, राजे सुनो, राजे सुनो, यही ऊपर फिर वापस वही। अरे सुनो I'm gonna go.